आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 वन लाइनर क्वेश्चनों की, जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बिना समय गवाए दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी आंतरिक, एक होती है बाह्य। बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जो हमारे माता पिता द्वारा, हमारे फ्रेंड्स द्वारा और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा दी जाती है। लेकिन आंतरिक वह होती है जो हमारे अंदर से उठती है और हम सोचते हैं हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो आंतरिक अभिप्रेरणाओं के क्या कहते हैं हम लोग, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये क्या हैं, ये आपके बाह्य अभिप्रेरणा है। क्योंकि कोई पुरस्कार देता है हमें, कोई है ना किसी काम को करने के उपलक्ष्य में, तो एक कह सकते हैं दोस्तों अभिप्रेरित होता है बच्चा उससे, ठीक है। अभिप्रेरित होगा तो उस काम को करने के लिए उसकी जो क्षमता होगी, उसका माइंड सेटअप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो सोचेगा कि हाँ भाई मुझे करना है। क्योंकि भाई हम किसी बच्चे की प्रशंसा कर देते हैं तो भाई आगे को जो काम होगा ना वो करने की कोशिश करेगा बहुत अच्छे से। अगर दंड देखिए वहाँ पर दिया जाता है, जैसे हमारे कंपनी वगैरह है ना, फैक्ट्री वगैरह है, तो उसमें देखिए अगर कोई मजदूर या कह सकते हैं दोस्तों कोई जो वहाँ के वर्कर हैं किसी कार्य को गलत कर देते हैं तो उनकी सैलरी में से कट हो जाता है, यानी कि वो भी आपका एक प्रकार का दंड है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके मोटम से हुई है। और नेक्स्ट है आपका कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है। ओके, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य को एक यंत्र माना है। नेक्स्ट है आपका जन्मजात प्रेरक। दोस्तों ये आपके देखिए भूख हो गया, निद्रा हो गया, ये आपके क्या हैं, जन्मजात प्रेरक हैं। प्यास, ये भी आपकी जन्मजात है, लेकिन अर्जित की हुई हमारी क्या हो सकती है, जैसे कि हम दोस्तों हमारी भावनाएं या दोस्तों हम कह सकते हैं किसी चीज़ को पाने की लालसा, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा मतलब जो बाद में जन्म के बाद होती है, ठीक है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो मद व्यसन दोस्तों आपका क्या होगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका होगा कि प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक जो होता है वो आपकी अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा अधिगम है, अधिगम मीन्स होता है सीखना, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा अधिगम मीन्स होता है सीखना, तो ये क्या है आपका, सहायक अंग है। ओके, तो पूरे 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, टॉप चुनिंदा क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ से। देखिए वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने, जो वैज्ञानिक था, इसने अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु के 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से, भय होता है, क्रोध होता है और प्रेम होता है। ऋणात्मक संवेग देखिए आपका घृणा, क्रोध, भय, ये आपके ऋणात्मक हैं। अगर हम सकारात्मक की बात करेंगे तो प्रेम देखिए सकारात्मक में आएगा। संवेग का जो संबंध होता है वो भावना से होता है सीधा सीधा। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति आपकी घृणा, भय, क्रोध, यही दोस्तों एक चीज़ है। देखिए आपकी होगी ऋणात्मक और नकारात्मक सेम है। पलायन, पलायन दोस्तों कैसे करता है व्यक्ति, पलायन आपकी मूल प्रवृत्ति है। और संवेगों की बात करें हम लोग तो मैकडूगल ने संवेगों के 14 भाग बताए हैं। कितने भागों में बांटा इसको, पूरे 14 भागों में इसको डिवाइड किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में वृद्धि, सॉरी तीव्र परिवर्तन होता है। ये जो मत है आपका कोल एवं ब्रूस का है। और गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका होगा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ये जो कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है, तो दोस्तों ये है आपका जेएस रोस का। इसी तरह से है बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में एवं अनुशासन में प्रभावी होता है दोस्तों क्या होता है, संवेगात्मक समायोजन। तो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, ऐसा नहीं है कि भाई आपके TET में भी काम आएंगे, CTET दोनों में काम आएंगे ये लोग, ये जो क्वेश्चन है। जो बालक नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं, आविष्कारों की योग्यता रखता हो उसको हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होता है शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, ये जो कथन है वो आपका टर्मन का है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका होगा कि
डी होन और कफ की सूची के आधार पर प्रतिभावान बालकों के संदर्भ में कथन सही क्या होगा। देखिए सामान्य बुद्धि का प्रयोग जो है अधिक करते हैं ये लोग, क्या करते हैं जो सामान्य बुद्धि होती है उसका प्रयोग अधिक करते हैं और कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात करें यहाँ पर, तो शिक्षकों की विशेषताओं के बारे में सही नहीं क्या होगा। देखिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र का होना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। मौलिकता, प्रभावशीलता एवं लचीलापन विशेषता होती है, यह किसकी होती है, सृजनात्मकता की होती है। टेलर महोदय के सृजनात्मकता के प्रकार में किसको सम्मिलित किया जाता है। देखिए यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा चित्रपूर्ति परीक्षण को, है ना। दूसरा होता है आपका व्रत परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण, ये तीनों होते हैं। मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, ध्यानपूर्वक देख लेना आप लोग। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही आपकी सृजनात्मकता है। तो आप इस पर VIP लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा जेम्स ट्रेवर वाला। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है कि अपरिवर्तनशीलता। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करने का अर्थ क्या होगा, संवर्धन। और किसको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को। ठीक है, आगे और देख लेते हैं दोस्तों। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। किनके लिए, देखिए कक्षा 5 के और न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर न दिखने की शिकायत करता है, वह या एवं श्यामपट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतर पाता। ये जो व्यवहार होगा वो आंशिक दृष्टि दोष, यानी कि ऐसे बच्चों को क्या होगा, आंशिक दृष्टि दोष है। दृष्टिदोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। देखिए जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है मूक बाधित बच्चों के लिए, यानी कि जो बोल नहीं सकते। सुनने की क्षमता की जाँच हेतु उपयोग किया जाता है क्या, डेसीबल में इसकी जो है मापा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा डेसीबल इकाई का। श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे में सबसे मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता। तेज या धीमी या तेज गति से बोलने वाला वाणी दोष नहीं होगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो आपका विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन जो है क्षेत्र 20 सेल्सियस है, तो उसकी विजुअल एक्यूरिटी क्या होगी, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ आँख जो है ठीक आँख में दोस्तों 6/60 से कम होगी। चलिए ये पॉइंट हम और देख लेते हैं। बाकी जब प्रकृति का नियम क्या है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। दोस्तों दो बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं तो चाहे उनका रूप रंग एक समान हो, तो कहीं ना कहीं उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा, उनके कद गाठी में परिवर्तन होगा। ओके, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर जो सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया, ये आपका गाल्टन ने किया। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधियाँ बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण है। देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। और नेक्स्ट होगा आपका ना, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो विद्यालय देखिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्य का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक उत्सव जो अवसर हैं उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।